कहते हैं आध्यात्म की शरण में जन्म मरण का समाधान है। बिना किसी शब्द ज्ञान के आप एक तत्व को जान लेंगे तो आपको सर्व ज्ञान हो सकता है, किंतु इस समाधान को समझना सरल नहीं है। इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उत्तंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। अरिहंत परमात्मा महाविजय क्षेत्र में विराजमान, उनके चरण सरोजों में अनंत अनंत आस्था के साथ नमन और वंदन, प्रार्थना कृतज्ञता का भाव। शासनपति भगवान महावीर जिनकी धर्म संघ धर्म तीर्थ में हम प्रभु की शरण ले रहे हैं, ऐसे प्रभु के चरण सरोजों में अनंत अनंत आस्था के साथ नमन और वंदन। आपके सामने चर्चा चल रही है आत्मा में रहना, आत्मा के गुणों का चिंतन करना, वो है धर्म, सच्चा धर्म, वितराग धर्म, वो है समायिक, वो है प्रतिक्रमण, वो है ध्यान, वो है कौशग। इसकी विधि हम आपको ध्यान शिविरों में बड़ा क्लियरली बताएंगे। एक बार आप सुन रहे हो प्रवचन, ये सूचनाएं हैं, इन्फॉर्मेशंस हैं, और प्रयोग आपको ध्यान शिविर में होगा, आपको समझ में आएगी। तो आज तक हमने पढ़ा था, मैंने भी, कि जीव को अजीव मानो, अजीव को जीव मानो, संसार के मार्ग को संसार का मार्ग ना मानो, मोक्ष का मार्ग संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग, मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग, 10 प्रकार के मिथ्यात्व की हमने चर्चा की थी, परंतु इसका अनुभव नहीं। अनुभव क्या करना है? यदि आपको विश्वास किस पर है, मैं आपसे पूछता हूं कि सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दो बातें हैं, आपको विश्वास किस पर है? धर्म पर है, आत्मा पर है कि धन पर है? यदि आपका विश्वास धन पर है, पद पर है, यश पर है, मित्रों पर है कि मित्र ज़्यादा होंगे तो मेरा सम्मान बढ़ेगा, धन होगा सम्मान बढ़ेगा, पद होगा सम्मान बढ़ेगा, यश होगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, यदि ये विश्वास है आपको, इसका मतलब अभी आपको दृष्टि नहीं आई। धन पर विश्वास है और धर्म पर नहीं तो वो आपको आत्मदृष्टि नहीं आई। धन कमाना गलत नहीं है, विश्वास किस पर है? मित्र हो सकते हैं, धन पद यश प्रतिष्ठा तुम्हारे पास रहेगा, पर तुम कहते हो धन के बिना, मित्र के बिना, पद के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसका मतलब अभी आपको धर्म पर विश्वास नहीं आया। धर्म क्या है? धर्म है स्वरूप का बोध, स्वरूप का बोध आत्मबोध। श्रीमद् आचार्य कहते हैं, पहली गाथा कहते हैं, जे स्वरूप समझ्या बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सतगुरु भगवान। श्रीमद् रायचंद छोटी सी उम्र में उनको जाति समण ज्ञान हो गया, 900 भाव देख लिए अपने, कि मैं भगवान महावीर के समय में मैं साधु भी था, प्रमाद किया था, कहली गाता। यदि आत्म बोध नहीं हुआ, आत्म स्वरूप नहीं जाना, तो व्यक्ति तुम मैं और सब, चाहे मैं साधु बन गया, बहुत क्रिया पालना हूं, तपस्या करना हूं, विख्यान दे रहा हूं, प्रवचन कर रहा हूं, और मेरी दृष्टि ये है कि बहुत लोग आ जाएं, मेरा चमासा सफल हो जाए, मेरी जय जयकार लग जाए, तो मैं मिथ्यात्व में हूं, मैं भी धर्म में नहीं हूंगा, तुम आओ हम आपका स्वागत करते हैं, आपने मुझे बुलाया आप आए,
पर मुझे आपका सहयोग मिले, आपको मुझे सहयोग मिले, हम दोनों मिलकर के धर्म की चर्चा करें, धर्म करें, साधना करें, एक दूसरे को ऊपर उठाएं, वो है धर्म। कि मेरा यश बढ़े, मेरा पद बढ़े, मेरा धन बढ़े, मेरी फैक्ट्री लग जाए, अरे ये विश्वास है, इसका मतलब अभी आप मिथ्या दृष्टि में हैं। धन कमाना गलत नहीं है, धन कमाओ। भरत चक्रवर्ती 6 खंड के राज्य थे और वो सम्यक दृष्टि थी, और शीश महल में केवल ज्ञान हो गया। अष्टावक्र और जनक का संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। जनक राजा थे, विदेह में थे। धन होना गलत नहीं है, पर मेरा धन, मेरा परिवार, मैंने कल बोला था परिवार में रहो। जैसे हम 4 महीने यहां रहेंगे, तुम्हारे से बढ़िया जगह पे रहेंगे, तुम लोगों ने बनाई, पर 4 महीने खाली कर जाएंगे। जाओ भाई तुम्हारा स्थानक ले लो, हमारी ममता नहीं है इसमें। तुम घर में रहो, ममता मत रखो। प्रभु ने जब बुलाया ठीक है चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। आज धन है, कल को नहीं रहा तो क्या फर्क पड़ता है। इस तरह से यदि आपकी दृष्टि बदल गई तो आप धर्म में हैं। यदि आपकी दृष्टि धन में है, पद में है, यश में है, भीड़ में है, संसार में है, तो आप मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि जितनी भी क्रियाएं करता है, धर्म करता है, उसका पुण्य या पाप होता है। वो कर्म नजरा नहीं करता, वो मोक्ष नहीं जा सकता, वो अभवी होगा, भवी नहीं हो सकता। ये भगवान की वाणी है, मैं नहीं कह रहा, भगवान की वाणी है, अच्छी तरह समझ लेना। धर्म है स्वरूप का बोध। स्वरूप क्या? आत्मा को जान लेना, आत्मा का अनुभव कर लेना, आत्मरमन कर लेना। वो कैसे करेंगे? जिन्होंने ध्यान शिविर किया वो अच्छी तरह से जानते हैं, जिन्होंने नहीं किया वो एक बार ध्यान शिविर से प्लीज एक बार आप करके देख लीजिए। भगवान ने कहा ये एक अंग जाना इसे सब अंग जाना, ये सब अंग जाना इसे एक अंग। जो एक को जान लेता, एक आत्मा को जान लेता है, सब को जान लेता है। तो धर्म पर विश्वास जो करता है, धर्म का मतलब आत्मधर्म, आत्मरमन, आत्मचिंतन। जो तुम आत्मरमन, चाहे आप सैर कर रहे हो पर भीतर आत्मरमन हो रहा है, तो तुम कर्मों की नजरा कर रहे हो। मैं देखता हूं सुबह सुबह हरी घास पे लोग चल रहे हैं, पत्ते तोड़ रहे हैं, थूक रहे हैं, उनको पता ही नहीं हरी का। जो आत्मदृष्टि जीव होगा वो सब में परमात्मा देखेगा, सब में परमात्मा, मुझ में आत्मा, तुम में आत्मा, घास के घास में आत्मा, वृक्षों में आत्मा, जल में आत्मा, अग्नि में, वायु में, वनस्पति में, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति में, और जितना पशु पक्षी, सब में आत्मा और आत्मा में परमात्मा। सबको परमात्म दृष्टि से जानता और देखता है, वो आत्म दृष्टि है, वो सत्य दृष्टि है, वो धर्म को जानता है और धर्म को समझता है। और ये आत्मा और शरीर की भिन्नता का एहसास, धर्म पर जिसको विश्वास, धर्म है आत्मरमन। आत्मा के साथ आप जो क्रिया करोगे वो धर्म हो जाएगा। यदि आत्म पर विश्वास नहीं है और धर्म करते हो तो क्रियाएं रहेंगी, पुण्य मिल जाएगा, परंतु आप धर्म नहीं कर सकते। जैसे दादू कहता है, काहे को दुख दीजिए घट घट आत्म राम, काहे को दुख दीजिए घट घट आत्म राम, दादू सब संतोषिए ये साधु का काम। दादू एक संत हुए हैं, बहुत संत हैं, संत कबीर, दादू, रज्जब, वो आत्मज्ञानी संत थे। रैदास जूता काटते थे, किसी से पैसा नहीं मांगते थे, और गंगा कठौती, मन चंगा थे कठौती विच गंगा। ये लेबल लगाने से तुम धर्मवान नहीं हो सकते, तुम्हारी दृष्टि क्या है? दादू दावा दूर कर दिन दावे दिन काट, कहते सौदा कर गए पंसारी की हाट। दादू कहता क्यों अहंकार करते हो, ये दुकान क्या पंसारी की दुकान है। दादू दावा दूर कर बिन दावे दिन काट, कहते सौदा कर गए पंसारी की हाट। जैसे पंसारी की दुकान पर पहले दादा बैठता था, परदादा बैठता था, फिर दादा, फिर पिता का बेटा, फिर बेटे का बेटा, ऐसे दुकान रहेगी, फैक्ट्री रहेगी, घर रहेगी। तुम्हारा घर जो आज तुम्हारा घर है, पहले आपके
दादा रहते थे, परदादा रहते थे और रहते थे, वादा कि तुमने नया मकान बना लिया होगा, पर सदाकाल नहीं रह सकते, जितना आयुष्य है उतना ही तुम रह सकते हो, उसके बाद एक क्षण भी नहीं रह सकते। इसलिए रहो घर में, घर को अपना मत मानो, फैक्ट्री चलाओ फैक्ट्री को अपना मत मानो, और अपने धन का उपयोग करते हुए सब में बांट दो। तो साधु कौन है, श्रावक कौन है, जिसको अपने आत्मबल पर विश्वास है। महावीर के पास क्या था बोलो, आत्मबल था। और महावीर 12.5 वर्ष तक जो साधना की और कर्म कपा करके मोक्ष चले गए, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तुम और मैं यदि आत्मबल होगा तो कहीं चले जाएगा, कोई कमी आने वाला। तुम्हारा पुण्य होगा तो सब कुछ मिल जाएगा, पुण्य नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। और ये मत धन छोड़ के चले जाना अपने बेटे के लिए, तुम अपने बेटे के लिए इतना कुछ करते हो, अरे अपने लिए कर जाओ। ये धन आपने जो कमाया है कमाओ, पर परम धन यहां चतुर्मास में आपको मिलेगा, परम धन जो आपको मोक्ष ले जाएगा, गारंटी है। यदि ये चतुर्मास में आपने ध्यान शिविर कर लिया और आपकी दृष्टि बदल गई, आत्म दृष्टि बन गई और आप भवी बन गए, तो निश्चित मोक्ष जाओगे। यदि आप आकर के भी आपकी दृष्टि नहीं बदली, ये भी ठीक वो भी ठीक, फिर उलझे रहोगे। एक निर्णय कर लेना कि आत्मदृष्टि क्या वो क्या है। जैसे एक दृष्टांत दिया जाता है, सुअर क्या खाता है, विष्ठा खाता है, बड़ी अच्छा लगता है विष्ठा खाना उसको। और एक सुअर को जाति श्रवण ज्ञान हो गया, उसने देखा मैं विष्ठा खा रहा हूं, और किसी ने उसको बढ़िया चावल बासमती चावल घी डाल करके दिए और वो खाता है, और दूसरे सुअर को कहता भाई ये छोड़ो विष्ठा है, ये बासमती चावल खाओ, तो दूसरे सुअर क्या कहते हैं, पागल हो गए, कुछ नहीं कुछ नहीं, दूसरे सुअर चावल खाएंगे, बोलो हाँ करो या ना करो, क्यों नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको विष्ठा खाने में आनंद आता है, विष्ठा अच्छी लगती है। देखो सुअर जहाँ गंदगी में मुंह मारते विष्ठा अच्छी लगती है, पर वो सुअर जिसको जाति समण ज्ञान हो गया, आत्म ज्ञान हो गया, वो कहता है कि अब वह विष्ठा नहीं खा सकता। वो अपने साथियों को कहता है कि मुझे ज्ञान हो गया, तुम विष्ठा छोड़ो और ये चावल खाओ, वो खाएंगे, बोलो। बस यही बात है, आपने संसार आपको अच्छा लगता है रहो, पर आत्मज्ञानी क्या खाता है, शुद्ध भोजन खाता है। सुअर का तो दृष्टांत दिया आपने, वो सुअर कभी विष्ठा नहीं खाएगा जिसको आत्मज्ञान हो गया, वो चावल ही खाएगा, भूखा रह जाएगा, विष्ठा नहीं खाएगा। ऐसे आपको यदि आत्मज्ञान हो गया, आत्मदृष्टि बदल गई, तो आप फिर और कहीं नहीं जाओगे। आपको ध्यान अच्छा लगेगा, आपको स्वाध्याय अच्छी लगेगी, आपको प्रवचन अच्छा लगेगा, आपको सत्संग अच्छा लगेगा, फिर आपको सिनेमा अच्छा नहीं लगेगा, फिर आपको घूमना अच्छा नहीं लगेगा, बस केवल अपनी दृष्टि बदल जाओ। देखिए आत्मदृष्टि का बहुत से समय हो गया है, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। इस देह में आत्मा है, आत्मा में केवल ज्ञान है, ये आत्मा परमात्मा बन सकती है। अपने भीतर विचार करें, जो विचार आ रहे हैं आने दो, जा रहे हैं जाने दो। आत्मा का स्वभाव दृष्टा मात्र, केवल देखो और जानो, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करना। प्रतिक्रिया करना शरीर का धर्म है,
आत्मा का धर्म जानना और देखना। जो श्वासें दृष्टा भाव में बीत गई वो कर्मों की नजरा है, जो श्वासें क्रिया प्रतिक्रिया में बीती वो कर्मों का बंधन है। अपने भीतर गहरे गहरे चले जाएं, शांत मौन। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होए, मन मानस में प्यार ही पुलकित पुलकित होए, रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल होए, सबका मंगल होए, तेरा मंगल होए, जन जन मंगल, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो अवध्यायानंग, नमो लोहे सब साहुनंग, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमो, चत्तारी शरणं भवज्जामि, अरहन्ते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहु शरणं भवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं, चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा जो भवे प्राणी करे, अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल।